कोरोना के संक्रमण से निपटने की तैयारियों की पीएम मोदी ने की समीक्षा। कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने दी तैयारियों की जानकारी। प्रियंका गांधी का कोरोना पर वीडियो ट्वीट, कहा भारत भी कोरोना वायरस की चपेट में, छोटी सावधानियों से इसे फैलने से रोक सकते हैं, महामारी को परास्त करने का दिया संदेश। देश में अब तक कोरोना से संक्रमित 77 मरीज, आज कोरोना के 3 नए मामले आ चुके हैं सामने, 1000 से ज्यादा भीड़ वाले आयोजन पर रोक। कोरोना वायरस का मामला पहुंचा दिल्ली हाईकोर्ट, कोरोना से बचाव और सावधानी को लेकर दायर जनहित याचिका पर सोमवार को हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। कोरोना के कारण अभिनेता सलमान खान ने अपने एनुअल दबंग टूर को किया कैंसिल, 3 अप्रैल से 12 अप्रैल तक यूएस और कनाडा में होने वाला था दबंग टूर। दिल्ली में कोरोना के कारण जेएनयू को 31 मार्च तक किया गया बंद, जामिया यूनिवर्सिटी ने भी 31 मार्च तक किया बंद, लेकिन परीक्षाएं रहेंगी जारी। दिल्ली सरकार ने 31 मार्च तक सभी पब्लिक स्विमिंग पूल को बंद करने का आदेश दिया, सिनेमा हॉल भी रहेंगे बंद। कोरोना वायरस के कारण दिल्ली में आईपीएल के होने वाले सभी मैच हुए रद्द, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा खेल से पहले स्वास्थ्य जरूरी। कोरोना वायरस के कारण ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने सभी मैचों को टालने का लिया बड़ा फैसला, 31 मार्च तक के लिए सभी नेशनल चैंपियनशिप को किया गया पोस्टपोन। योगी सरकार ने यूपी में कोरोना को महामारी किया घोषित, 22 मार्च तक सभी स्कूल कॉलेज बंद, लेकिन परीक्षाएं रहेंगी जारी। नोएडा की एक कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी में कोरोना वायरस की पुष्टि, कंपनी में काम करने वाले 700 कर्मचारियों को स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में रखा गया, पीड़ित कर्मचारी हाल ही में फ्रांस और चीन की यात्रा कर लौटा है। कोरोना वायरस के कारण लखनऊ के सभी होटल और रेस्टोरेंट में नॉन वेज पर लगा प्रतिबंध, लखनऊ में कोरोना का मिल चुका है केस। झारखंड में कोरोना वायरस को लेकर राज्य सरकार सतर्क, रांची में सभी सरकारी स्कूलों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस पर रोक, बचाव को लेकर बैठकों का दौर भी जारी, सभी से एहतियात बरतने की अपील। भारत में कोरोना से पहली मौत की पुष्टि, कर्नाटक के कलबुर्गी में रहने वाले शख्स की मौत, कुछ दिन पहले ही जेहा से लौटे थे 76 साल के शख्स। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री श्री रामुलु ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी। महाराष्ट्र के पुणे में मलेशिया की यात्रा से लौटे परिवार की बढ़ी मुश्किलें, कोरोना के डर से कॉलोनी के लोगों ने उन्हें सोसाइटी से अलग रहने की मांग को लेकर पुलिस से की शिकायत। आंध्र प्रदेश में नेल्लोर में राज्य का पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला, 6 मार्च को ही पीड़ित विदेश से लौटा है, अस्पताल में भर्ती होने से 5 लोगों से मिला था पीड़ित, सभी को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया। कोरोना को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार अलर्ट, सीएम भूपेश बघेल ने आपात बैठक कर 31 मार्च तक प्रदेश के सभी स्कूल कॉलेज को बंद करने का दिया आदेश, लोगों को सतर्क रहने और सरकारी कार्यक्रमों में भीड़ भाड़ से बचने की दी गई हिदायत। कोरोना वायरस के कारण यूपी के आईपीएस अफसरों की ट्रेनिंग टली, हैदराबाद और सिंगापुर में 16 मार्च से 24 अप्रैल तक होने वाली थी ट्रेनिंग। नोएडा से विधायक पंकज सिंह ने कोरोना के खौफ को देखते हुए किया ट्वीट, नोएडा के सभी स्कूल और सिनेमा घरों को कुछ दिनों तक बंद रखने की अपील की। यूपी के गाजियाबाद में कोरोना वायरस केस मिले कोरोना से पीड़ित दोनों मरीज बाप बेटे, दोनों को सफदरजंग अस्पताल में किया गया भर्ती। कोरोना वायरस से निपटने का महानायक ने सिखाया देसी तरीका, अवधि में कविता पढ़कर कोरोना को दिखाया ठेंगा। ऑस्ट्रेलिया के स्टार क्रिकेटर और तेज गेंदबाज केन रिचर्डसन को हुआ कोरोना, केन आईपीएल में विराट कोहली की टीम से खेलने वाले थे। नेपाल सरकार ने कोरोना के खतरे को देखते हुए एवरेस्ट की चढ़ाई पर लगाई रोक, एवरेस्ट पर चढ़ाई करने पहुंचे सभी पर्वतारोहियों के परमिट को किया निलंबित। कोरोना को फैलता देख न्यूयॉर्क में घोषित की गई इमरजेंसी, न्यूयॉर्क में कोरोना के 95 केस सामने आ चुके हैं, लोगों को भीड़ भाड़ से दूर रहने की दी गई सलाह। आईबी कर्मचारी अंकित मर्डर केस के आरोपी सलमान को 4 दिन की पुलिस कस्टडी, पूछताछ में चाकू मारने की बात कबूली, हत्या में 6 लोगों का हाथ। दिल्ली हिंसा मामले में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, हिंसा में शामिल दंगाइयों और हिस्ट्री शीटर के कई मोबाइल फोन पुलिस को मिले। पुलिस के मुताबिक दंगाइयों ने व्हाट्सएप, फोन कॉल और मैसेज भेजकर लोगों को हिंसा फैलाने के लिए बुलाया, पुलिस ने सभी मोबाइल फोन को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा। मध्य प्रदेश में सरकार पर संकट के लिए सीएम कमलनाथ राज्यपाल लालजी टंडन से मिले, राज्यपाल को चिट्ठी सौंपकर विधायकों की खरीद फरोख्त की शिकायत की।
सीएम कमलनाथ ने बीजेपी पर लगाया विधायकों को कैद करने का आरोप, कहा विधायकों के बिना सत्र संभव नहीं। कमलनाथ ने विधानसभा सत्र के दौरान किसी भी समय विश्वास मत कराने की राज्यपाल से की मांग, राजभवन के बाद कमलनाथ ने दिखाया विक्ट्री साइन। ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ कथित घोटाले की फाइल खोलने की तैयारी में एमपी की कमलनाथ सरकार, नई शिकायत के बाद जांच में जुटी ईओडब्ल्यू। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने पर पार्टी के नेता सदमे में, राशिद अलवी ने कहा सिंधिया ने जल्दबाजी कर दी, लेकिन हमें भी विचार करना पड़ेगा कि सिंधिया आखिर क्यों गए। जम्मू कश्मीर सरकार ने फारूक अब्दुल्ला की नजरबंदी खत्म करने का दिया आदेश, सोमवार को संसद की कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं फारूक अब्दुल्ला। बीजेपी ने लोकसभा सांसदों को जारी किया व्हिप, सोमवार को सभी सांसदों को लोकसभा में मौजूद रहने के लिए जारी किया व्हिप। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की आज आखिरी तारीख, 26 मार्च को होगा चुनाव, उसी दिन आएंगे नतीजे। मोदी कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों को दिया बड़ा तोहफा, कैबिनेट बैठक में 4% डीए बढ़ाने पर मोदी सरकार ने लगाई मुहर। यूपी के बागपत नाव हादसे में योगी सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया, मृतकों के परिजनों को 4,00,000 रुपए मुआवजा देगी योगी सरकार। आगरा एक्सप्रेसवे जमीन अधिग्रहण में अरबों के घोटाले की आशंका, ईओडब्ल्यू ने 10 जिलाधिकारियों से मंगवाए कागजात। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज, प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश और ओले गिरे, आकाशीय बिजली गिरने से कई घायल। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज, अमित शाह के बुलावे पर दिल्ली पहुंचे सुदेश महतो, आज होगी मुलाकात, आज सूखे 2 वोट काफी अहम। झारखंड के कोडरमा में पिकअप वैन को अज्ञात वाहनों ने मारी टक्कर, 2 लोगों की मौत, तो रांची में बस ट्रक की टक्कर में 2 की मौत, 14 घायल। बिहार के मुंगेर के मोगल बाजार में संपत्ति विवाद में जेठ ने छोटे भाई की पत्नी और बेटी पर तेजाब डाला, दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल में किया गया भर्ती। राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी ने भरा नामांकन, बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र गहलोत ने भी भरा नामांकन। राजस्थान के भरतपुर में गोली मारकर युवक की हत्या, पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह गुर्जर के रिश्तेदार पर लगा गोली चलाने का आरोप। राजस्थान में 6 नवगठित निगमों के चुनाव कार्यक्रम की हुई घोषणा, 5 अप्रैल को होंगे चुनाव तो 7 अप्रैल को होगी मतगणना, महापौर के लिए 16 अप्रैल को ही मतदान और मतगणना होगी, ईवीएम के जरिए डाले जाएंगे वोट। राजस्थान के नागौर में 2 किलो 60 ग्राम सोने के साथ पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार, जब्त की गई सोने की कीमत 90,00,000 रुपए। जयपुर के चौमू में खड़े ट्रक से टकराई बस, हादसे में 2 लोगों की मौत, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। बिहार की राजधानी पटना में राज्यसभा के लिए एनडीए उम्मीदवारों ने भरा पर्चा, सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सुशील मोदी भी रहे मौजूद। शेयर बाजार में ब्लैक फ्राइडे के बाद शानदार रिकवरी, निचले स्तर पर 4000 अंक तक उछला सेंसेक्स, निफ्टी में भी निचले स्तर से 13% तक उछाल। शेयर बाजार के गिरने पर बोले मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, कहा भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत, बाजार में गिरावट से घबराने की जरूरत नहीं, महंगाई में भी कमी आने का किया दावा। एयर इंडिया एयरलाइंस की नीलामी की तारीख को सरकार ने बढ़ाया, नीलामी की आखिरी तारीख को 17 मार्च से बढ़ाकर किया गया 30 अप्रैल। उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की पुलिस कस्टडी में मौत के मामले में कुलदीप सेंगर समेत 7 दोषियों को 10 साल की सजा, कुलदीप सेंगर और उसके भाई अतुल को 10 लाख रुपए पीड़िता को देने का कोर्ट ने दिया आदेश। कर्नाटक के डीजीपी से मिले मध्य प्रदेश के मंत्री जीतू पटवारी और कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार, पुलिसकर्मी पर लगाया बदसलूकी करने का आरोप। तेलंगाना के रामचंद्रपुरम में बस में लगी भीषण आग, इंजन में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग, फायर कर्मियों ने आग पर पाया काबू। उत्तराखंड के उत्तरकाशी धरासू पुल के पास भूस्खलन, चलती गाड़ी के ऊपर गिरी चट्टान, राहत बचाव कार्य जारी। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में जनसेना बीजेपी ने अपना कॉमन विजन डॉक्यूमेंट किया जारी, आंध्र प्रदेश में दोनों पार्टियां एक साथ मिलकर लड़ेंगे निकाय चुनाव। तेलंगाना में 2 राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनावों के लिए टीआरएस ने उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान, टीआरएस ने डॉक्टर के केशव राव और आंध्र प्रदेश के पूर्व स्पीकर सुरेश रेड्डी को बनाया उम्मीदवार। तेलंगाना के बेगमपेट हवाई अड्डे पर नागरिक उड्डयन प्रदर्शनी, विंग्स इंडिया 2020 शुरू, 15 मार्च तक चलेगा विंग्स इंडिया शो, दिन में 2 बार 2 टीमें करेंगी एरोबैटिक शो।
प्रोड्यूसर जैकी भगनानी और बी आर फिल्म्स के क्रिएटिव प्रोड्यूसर जूनो चोपड़ा मिलकर 1980 में रिलीज हुई क्लासिकल फिल्म द बर्निंग ट्रेन का रीमेक बनाएंगे। फिलहाल फिल्म के डायरेक्टर और स्टार कास्ट का नाम तय नहीं हुआ है। अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ स्टारर फिल्म सूर्यवंशी की रिलीज कोरोना के चलते टली। कैटरीना ने इंस्टाग्राम पर जानकारी देते हुए बताया कि हालात सही होने के बाद ही फिल्म रिलीज होगी। 24 मार्च को रिलीज होनी थी फिल्म।